जैसे कि जैसे मिनिमम आप बता दीजिए कि पचास अगर, हजार हाँ 50,000 अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो कितना ईएमआई हमारा जो है वो आ पचास हजार अगर जाएगा। डाउन पेमेंट करते हैं तो ईएमआई लगभग जाएगा आपका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आप हमारे सामने प्रेजेंट ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल 2023 वाला वेरियंट, जो कि फाइनली फ्रेंड्स E20 अपडेट्स के साथ आ चुका है। ये जो बाइक है अब OBD2 नॉर्म्स को फुलफिल कर रही है। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको इसका जो भी करंट ऑन रोड प्राइसिंग है वो हम बताने वाले हैं, क्या कुछ इसका मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है और ईएमआई वगैरह क्या रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं आकाश भैया, और ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं श्री सनमती इंटरप्राइजेस गिरिडीह में। तो अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं न्यू मॉडल्स के लिए। तो एक बार आप नजदीक से आकर देख लें, यहाँ पे आपको E20 की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। तो सबसे पहले आप बाइक में यहाँ देख लें कि ये लेटेस्ट मॉडल है, आपको हम यहाँ से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको मिलेगा E20 का बैजिंग, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था। और ये न्यू मॉडल में यहाँ पे बाइक आ रही है, लुक्स आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छा आपको मिल जाता है, और ये है इसका टॉप मॉडल। तो आकाश भी आप हमें ये बताइए कि ये बाइक का भी करेंटली ऑन रोड प्राइस क्या जा रहा है। इस बाइक को हम लोग कहते हैं ये टॉप मॉडल हंटर में हो गया, इसे रेबल ब्लैक कहते हैं। रेबल तीन वेरियंट आता है ना, कि ये वेरियंट जो लगा हुआ है ये रेबल ब्लैक है। कौन कौन सा कलर ऑप्शन इसमें आ जाता है? इसमें टॉप वेरियंट में आता है एक आपका रेबल ब्लैक है, एक रेबल ब्लू, एक रेबल रेड हो गया, तीन कलर इसमें आता है। ये रेबल टॉप मॉडल में ये रेबल ब्लैक है, ठीक है। तो इसकी ऑन रोड प्राइसिंग क्या जा रही है अभी? इसका ऑन रोड प्राइस की बात करें हम तो एक शोरूम प्राइस का आता है 171,900 आता है, 171,900 और ऑन रोड का जहाँ तक बात करें हम तो 1,99,115 रुपया ऑन रोड प्राइस हो गया इनका, मतलब लगभग 2 लाख रुपए, लगभग 2 लाख, 2 लाख रुपए इसका ऑन रोड प्राइस ऑन रोड प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, कुछ एक्सेसरीज इसमें रहता है इंक्लूड या रहता अलग है? एक शोरूम है, इंश्योरेंस है, रजिस्ट्रेशन है, अच्छा बाकी जो एक्सेसरी रहता है वो खुद से लगवाना पड़ता तो है। ये मिरर वगैरह ये सब अलग से ये जो परचेज आप देख है? रहे हो ये कंपनी फिटेड, ये फुल है। अच्छा, ये मतलब जो इतने में मतलब जो हाँ बताया आपने प्राइस उसमें ये बाइक ये सारा कंप्लीट है, कुछ ओके ही। ठीक है। तो इसमें अगर अलग से हम कुछ लगवाते हैं तो उसका अलग से प्राइस पे जी करना जी जी पड़ेगा। जैसे अगर समगार्ड वगैरह की बात करते हैं तो क्या प्राइस आ जाता है उसका? समगार्ड इसमें दो तरह का आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लैक इंजन में लगा हुआ है, इसमें एक सिल्वर भी आता है ब्लैक भी आता है। ठीक है, सिल्वर का अगर लगाया जाए तो ये आगे आपका 2100 का, अगर ब्लैक लगाते हैं 3450 का आता है। अच्छा, मतलब 3400 रुपए का अप्रोक्स में वो आ जाएगा। तो वो तो बेसिक एक्सेसरीज है, वो तो लगाना ही होगा कम से कम। और लेगर इसमें दो तरह का आता है, एक शॉर्ट आता है, एक लॉन्ग लार्ज में आता है। लार्ज में आपका 3300 है और शॉर्ट में आपका 3000 रुपए पड़ता है। 3000 रुपए, मतलब 300 रुपए का डिफरेंस, 300 रुपए डिफरेंस, ठीक है। तो ये दो एक्सेसरीज मतलब कम से कम लगाना पड़ेगा। हाँ, दो एक्सेसरीज कम से कम, ऐसे फिर बैकर्स भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि लेडीज वगैरह को बिठाते हैं। वो तो अपने ऊपर है, बाकी ये दो मतलब बेसिक एक्सेसरीज है कि ये लगाना होगा। हाँ, दो एक सीट कवर लगा देते हैं, तीन मतलब तीन। हाँ। तो सीट कवर का क्या प्राइस आ जाता है? सीट कवर का 1200 रुपए में आता है, 1200 रुपए में, वो बढ़िया क्वालिटी में, बढ़िया क्वालिटी का ओरिजिनल रहेगा, ओरिजिनल आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे इस बाइक के लिए अगर हम डाउन पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो मिनिमम कितने डाउन पेमेंट बाइक? डाउन पेमेंट का मिनिमम जैसे चाहे अगर सिविल स्कोर वगैरह बढ़िया है तो लगभग 90% तक फंडिंग हो जाता है। 90% मतलब अगर 2 लाख की बाइक है तो कितना? 2 लाख का है तो 35 से 40 हजार में हो जाएगी, मतलब 40,000 डाउन पेमेंट अगर करते हैं तो बाइक फाइनेंस हो जाएगी। उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना होगा? डॉक्यूमेंट्स मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक अपडेट, 2 फोटो और ATM। और इनकम प्रूफ वगैरह कुछ नहीं लगेगा? नहीं, नॉर्मल बता रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल में जैसे सिविल बढ़िया है तो इनकम प्रूफ रहेगा तो भी हो जाएगी तब। अच्छा, और ज्यादा अच्छा है। हाँ, और ज्यादा, ठीक है। तो अगर EMI की हम बात करते हैं तो मिनिमम जैसे सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि टाइम कितना देना होगा फाइनेंस के लिए? हमें फाइनेंस के लिए मिनिमम ये वन आवर से टू आवर्स काफी है, फाइनेंस हो जाएगा। और बाइक के लिए हमें प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी या बाइक मतलब आते के साथ हमें मिल जाएगी? नहीं, बाइक का बुकिंग करानी पड़ेगा, 30 से 45 दिन वेटिंग है हंटर का। अच्छा, कितना दिन वेटिंग है? 30 से 45 दिन। 30 से 45 दिन जी, मतलब अच्छा, मतलब काफी डिमांड चल रहा है बाइक। अच्छा, कोई सा भी मॉडल लेते हैं तो मतलब हमें लगभग ऑलमोस्ट जितने भी गाड़ियां हैं सब में बुकिंग कराने पड़ती है, जैसे कि और ऊपर ऊपर मॉडल की बात करें हम, जैसे कॉन्टिनेंटल, GT या इंटरसेप्टर, उसमें 3 महीने तक भी जाती है। अच्छा, लेकिन जो रेगुलर हम लोग ज्यादा रनिंग में गाड़ी जैसे कि आपका क्लासिक बोल सकते हैं या हंटर, 30 से 45 दिन लगता है, मतलब उतना टाइम लग जाता है। तो इसमें टोटल अभी कितने मॉडल्स आ जा रहे हैं हंटर में? इसमें आपका 3 वेरिएंट आ रहे हैं। टॉप मॉडल में जैसे कि आप रेबल ब्लैक देख रहे हैं, रेबल ब्लैक, रेबल रेड, रेबल ब्लू, ठीक है। सेकंड में आपका डेपर ग्रे, डेपर व्हाइट, डेपर एस आएगा, 3 कलर हो गया। और बेस मॉडल में आपका आता है ये फैक्ट्री सिल्वर, फैक्ट्री ब्लैक, मतलब उसमें दो ही कलर ऑप्शन। हाँ, उसमें 2 कलर ऑप्शन। तो बेस मॉडल का क्या प्राइस आ रहा है? बेस मॉडल में आपका एक शोरूम आ जा रहा है 1,49,000 रुपया, ठीक है। वो लगभग 1,74 का लग जाएगा, 1,74, मतलब काफी डिफरेंस है, मतलब काफी लगभग 25,000 रुपए का डिफरेंस है। हाँ, ठीक है। तो अगर अभी हम बात करते हैं इस बाइक के लिए तो EMI हमारा कितने के अप्रोक्स में जो है वो आ जाएगा? EMI हमारा जो है वो इसका कितने के अप्रोक्स में आ जाएगा? EMI कितना, जैसे कि आप डाउन पेमेंट में बता दो, मैं आपको जैसे कि जैसे मिनिमम आप बता दीजिए 50,000। हाँ, 50,000 अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो कितना EMI हमारा जो है? 50,000 अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो EMI लगभग जाएगा आपका
जैसे फ्रेंड्स 50,000 आपको हम डाउन पेमेंट में जो है वो बता दे रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से डायरेक्ट मतलब आकर विजिट करके आप अपने हिसाब से जो भी आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं उसका अगर जो भी 3 साल ईएमआई का रखना है करवाते वो हैं तो ये बता। 5400 लग जाएगा, 5423 रुपये। 5423 रुपये। अच्छा हाँ, मैक्सिमम कितना टाइम के लिए हो जाता है लोन, जैसे 3 साल से ज्यादा कभी तीन होता साल है? 4 साल तक। 4 साल तक। हाँ तो 4 साल का कराते हैं तो मैक्सिमम कितना चार साल आएगा? तक 4 साल आप कराते हैं तो आपका चल जाएगा वही लगभग 4400 का लगभग। 4400 रुपये मतलब 4 साल के लिए। चार साल के और लिए मिनिमम कितना होगा, 2 साल 1 साल क्या होता है? मिनिमम का जाएगा 1 साल का। एक साल का। तो हाँ अगर 1 साल का कराते हैं तो 1 साल का करवाते हैं तो वही 13752। बट ये नहीं होता है लगभग सबके, क्योंकि इसके लिए आईटीआर होना जरूरी फिर होता है, आईटीआर चाहिए। विदाउट आईटीआर का इतना फंडिंग नहीं हो मतलब कितना से पाएगा। अमाउंट ज्यादा जाने से फिर आईटीआर लगता है? आईटीआर जैसे कि अभी 13 हजार तक फंडिंग कर रहे हैं तो आईटीआर इसमें लग इसमें जाएगा। लग जाएगा। नॉर्मली अगर 2 साल तक करवाते हैं तो चला हो जाएगा, दो साल में छह से कितने? सात हजार तक के माही लगभग वो अच्छा अप्रोक्स मतलब आदमी उतना कोई तक भी मतलब हो नॉर्मली जाता जनरली है भर बिना सकते इनकम हैं। प्रूफ का भी हो जाता है? हाँ अच्छा, लेकिन इतने में फिर इनकम प्रूफ देना इनकम होगा, प्रूफ देना तो पड़ेगा। जिसका इनकम प्रूफ है वो तो इजीली करवा सकता हाँ है ये इजीली करवा वाला? सकते हैं। अच्छा, तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे हंटर का एक फाइनेंस ऑप्शन जो कि आपको हमने बता दिया यहाँ पे 50,000 डाउन पेमेंट में। बाकी आप आकर शोरूम विजिट कर सकते हैं, आकाश भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या कुछ इसका अभी मतलब करेंटली जो स्कीम है वो चल रहा है। बाकी ये न्यू मॉडल का आपको हमने प्राइस बताया है, और हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे आकाश भैया का जिन्होंने हमारी काफी हेल्प की है। तो मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो गई हो, अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में बस यही था, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।